हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजी फॉर यू पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल की वीडियोस पर कैसे आई कार्ड और एंड स्क्रीन बटन को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई कार्ड और एंड स्क्रीन बटन होते क्या हैं, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं आई कार्ड यूट्यूब इमेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये वाला आपको शो हो रहा है, आपको कुछ इस तरीके का ये होता है आपका आई कार्ड। आप देख सकते हो ये आई कार्ड होता है काफ़ी जगह, यहाँ पर भी देख सकते हो ये आपको आई कार्ड का एग्जांपल है। दोस्तों, और बात करें एंड स्क्रीन की, तो दोस्तों एंड स्क्रीन भी आपको बता दूँ कैसा लगता है, दिखाई देता है मतलब वो। तो दोस्तों देख सकते हो एंड स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की सबसे लास्ट में, यूट्यूब वीडियोस के सबसे लास्ट में आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसको कैसे ऐड कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल में, तो आइए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने अकाउंट पर आ जाना है। अपने अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको योर चैनल शो हो रहा होगा, आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना है। उस पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज वीडियो आपको शो हो रहा होगा। दोस्तों, आपको मैनेज वीडियोज पर क्लिक कर देना है। मैनेज वीडियोस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आपकी वीडियो शो करने लग जाएंगी। तो आपको जिस भी वीडियोस में आई कार्ड और एंड स्क्रीन बटन लगाना है, तो दोस्तों उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि इस वीडियो में मैं लगाना चाहता हूं, तो मैं इस पर आ जाता हूं और यहां पर पेंसिल वाला जो आइकन शो हो रहा है दोस्तों, इस पर कर देना है आपको क्लिक। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जितने वीडियोज के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग वैग आपको यहाँ पर सब कुछ शो कराने लग जाएगा। आपको इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियोज में चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और आपको आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दो चीज शो कर रही हूँ, एक एंड स्क्रीन और दूसरा कार्ड। तो मैं पहले बता दूँ, मैं आपको बता दूँ एंड स्क्रीन को कैसे लगा सकते हो। फिर से मैं पेंसिल वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले मैं इन वाले एलिमेंट को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, जो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं दोस्तों, सारे के सारे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और मैं फिर शुरू से बताता हूँ दोस्तों, यहाँ से पहले मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। फिर से मैं आ जाता हूँ एंड स्क्रीन पर। एंड स्क्रीन पर आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एलिमेंट चूज करने के लिए बोलेगा कि कौन से एलिमेंट आपको चाहिए। मतलब आपको दो तीन वीडियोज, एक सब्सक्राइबर वाला बटन चाहिए, एक वीडियोज एक सब्सक्राइबर, आपको जो भी ऐड करना है दोस्तों आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली, मतलब मैं इनमें से कोई भी टेम्पलेट को नहीं चूज करने वाला, मैं एलिमेंट को डायरेक्ट ही ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं वीडियोस ऐड करता हूँ, वीडियोस पर क्लिक कर देना है। वीडियोस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो करने लग जाएगा, और यहाँ से आ जाना आपको सबसे नीचे। नीचे आने के बाद चूज स्पेसिफिक वीडियो, अगर आप अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को यहाँ पर लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को लगा सकते हो। अगर आप इसमें YouTube चैनल की, मतलब अलग से भी वीडियो अपलोड करना चाहते हो, तो आप मोस्ट रिसेंट अपलोड पर क्लिक करके भी अलग से वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें कितने भी सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं दो एलिमेंट को ऐड कर लेता हूँ वीडियो वाले, और तीसरा एलिमेंट मैं सब्सक्राइब वाला ऐड करूँगा दोस्तों। मैं यहाँ से दो एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, मैं यहाँ से तीसरा ले लेता हूँ सब्सक्राइबर वाला। दोस्तों, सब्सक्राइबर वाले को आपको यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना है कि आपको कहाँ रखना है, उसके बाद कर देना है यहाँ से सेव। सेव कर देने के बाद आपका एंड स्क्रीन का जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। फिर आ जाते हैं आप आई कार्ड वाले ऑप्शन पर। आई कार्ड वाले पर आने के बाद आपको फिर से पेंसिल वाले बटन पर ही क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर दिखा दूँ मैं, यहाँ पर अपने जो मैंने बटन लगा रखे हैं, मतलब आई कार्ड लगा रखे हैं, उन्हें मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। आपको यहाँ पर कर्सर लाना है और पहले कर लेना है यहाँ पर सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियोज पर क्लिक कर लेना है। आपको जो भी वीडियोस को बटन में लगाने चाहते हो दोस्तों, आपको उसे सेलेक्ट कर देना है। और एक वीडियोस आपकी यहाँ लग चुकी है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी शो करता रहेगा दोस्तों। साथ के साथ आप जितने, मतलब कम से कम 5 कार्ड आप इसमें लगा सकते हो दोस्तों। मैं लगा लेता हूँ जल्दी से जल्दी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 कार्ड चूज कर लिए हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही कार्ड, मतलब सेलेक्ट कर लेने हैं दोस्तों। और इनमें से एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर यहाँ पर कार्ड में आप चाहो तो
यहाँ से प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हो, चैनल चाहो तो चैनल भी ऐड कर सकते हो, मतलब अदर्स चैनल को भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट को ऐड कर आपको दिखा देता हूँ। अगर ये वाली जैसे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की मेरे पास प्लेलिस्ट है तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ये भी यहाँ पर शो करने लग जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ सेव कर देना है दोस्तों। सेव कर देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको बैक आ जाना है दोस्तों। इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लोज। आपको बैक आ जाना है और आपके चैनल पर दोस्तों ये दोनों एंड स्क्रीन और आई बटन लग चुके हैं दोस्तों। ये आपको वीडियोस में आपके में शो करने लग जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी वीडियोस को मतलब प्ले करके देख सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी YouTube वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आई होप कि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। दिल से धन्यवाद।